हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी ट्यूब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम व्हाट्सएप से कोई भी गेम, कोई भी एप्लीकेशन या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर हम व्हाट्सएप से कैसे सेंड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, एक बात और, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे का रेड कलर का बटन दबाकर आप फ्री सब्सक्राइब हो जाएंगे और हमारी अगली आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जस्ट आपको एक फाइल मैनेजर प्लस डाउनलोड करना पड़ेगा आपके फ़ोन में। ये फाइल मैनेजर आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाता है और इसकी लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर देना। अभी मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ कि हम कोई भी एप्लीकेशन को सेंड नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने यूसी ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से उसको शेयर किया। ये देखिए, कहीं पर व्हाट्सएप नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पर भी नहीं, व्हाट्सएप का कहीं दिखा नहीं रहा। तो इसको करना ये है कि इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर रीनेम पर क्लिक करना है। रीनेम पर क्लिक करने के बाद APK को कट करके वहाँ पर हमको लिखना है TXT, जस्ट TXT लिखना है और उसको ओके कर देना है। अब ये TXT फॉर्मेट में फ़ाइल बन चुकी है। तो उसको हमको फिर से वापस से मार्क करना है, फिर से उसको वापस से शेयर करना है व्हाट्सएप पर। यहाँ से हम उसको शेयर करेंगे। ये देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप ओपन होगा। यहाँ से मैं मेरे दूसरे व्हाट्सएप के जो बाजू फ़ोन है उसके ऊपर सेंड कर रहा हूँ। ये देखिए, सेंड हो रही है फाइल, यूसी ब्राउज़र सेंड हो रहा है। अभी फ्रेंड्स, ये फ़ोन के अंदर भी हमको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ से इसको डाउनलोड करना है फाइल को, फिर हमको उसके फाइल के लोकेशन पर जाना है जहाँ पर जो है तो व्हाट्सएप के फाइल्स डाउनलोड होती है, जहाँ पर इमेजेस वीडियोस होते हैं वहीं पर। अब हम दूसरे फ़ोन के अंदर फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। अब इसके अंदर हम लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर व्हाट्सएप के वीडियोस इमेजेस सेव होते हैं। ये व्हाट्सएप, इसमें हम आ गए। ये मीडिया, इसके अंदर सबसे ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जाना है हमको। ये देखिए, ये ऊपर यूसी मिनी ब्राउज़र आ चुका है। इसको वापस से लॉन्ग प्रेस करके रिनेम करना है। जस्ट इसमें रिनेम करके TXT को हटा के APK टाइप करके इसको ओके कर देना। ये हमारा यूसी ब्राउज़र हो गया। तो फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही प्रोसेस से हम कुछ भी सेंड कर सकते हैं, कंप्यूटर की EXE फाइल्स, गेम्स और भी बहुत कुछ जो व्हाट्सएप से हम सेंड नहीं कर सकते, बस उसको जस्ट सेम ऐसे ही प्रोसेस उसको करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।